नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, क्यों लगती हैं आप लोगों की खुशियों की नज़र? आज की इस वीडियो में हम आपकी समस्या का समाधान करने वाले हैं। अक्सर कमेंट बॉक्स में हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि गुरु जी, जब भी हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो पता नहीं कहाँ से तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं, हमारी खुशियाँ लोगों को चुभने लग जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है आप लोगों के जीवन में, और अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा क्या करें कि हम बुरी नज़र से बचाएं, हमारे जीवन खुशियों में बदले। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आप लोगों के जीवन को बदल कर रख देंगे। अनुरोध बस इतना सा करते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले जो कोई भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, माता रानी का सीधा सीधा आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बरसेगा। दोस्तों, इसलिए जरूर कमेंट करें। दोस्तों, इस संसार में तीन तरीके से कार्य करते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक ऊर्जा हमारे व्यवहार और आदतों से तथा हमारे विचारों से बनती रहती हैं। हमारे अपने शरीर और अपने घर में आम तौर पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, जब किसी सूझबूझ स्वभाव और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाता है तो दोस्तों किस प्रकार से हमें नज़र लगती है उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी के सोच और विचार के संपर्क हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाते हैं, इससे ही हम नज़र लग जाते हैं। नज़र लगने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, सोच पर गहरा असर पड़ता है और हमारे जो प्रकृति होती हैं वही वही हमारी सफलताओं को अपने मुख मोड़ लेती हैं, उन पर रुकावट उत्पन्न करती हैं। यह रुकावट बहुत ही तेजी से होती हैं, तुरंत चुटकियों में ही इसका असर होता है नज़र का, और एकदम से बिना किसी कारण के ही सब कुछ मानो रुक सा गया हो। अगर कुछ ऐसा ही आप लोगों के जीवन में संकेत मिल रहे हैं तो आप लोगों के ऊपर भी नज़र लग चुकी हैं, या हमारी खुशियाँ किसी को रास नहीं आई हैं और उसकी नज़र आप लोगों पर चुकी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के खुशियों को क्यों नजर लगती हैं और अचानक से आपकी प्रसिद्धि, लोकप्रियता, खुशियां लोगों की ईर्ष्या का कारण क्यों बनती हैं? कई बार जैसे जीवन के चलते चलते गाड़ियां जैसे ब्रेक लगती हैं, ऐसा ही महसूस किया हो। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने भी इस नजर चीजें जैसे चीजों का होने का दावा किया है। कुछ लोग तो मुख से ही आपकी प्रशंसा करते हैं परंतु मन ही मन में जल भूल जाते हैं। ऐसे लोगों की नज़र ही हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, बच्चों की खूबसूरत तथा मासूमियत पर भी नज़र लग जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आपको लाल किताब में वर्णित कुछ ऐसे उपाय के बारे में बता रहे हैं जो आप लोगों को बुझ नज़र, काला साया, इन सभी से आप लोगों के जीवन में होंगे तो उन सभी को हमेशा के लिए दूर ले जाएंगे। दोस्तों, शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाइए, वहाँ पर भगवान हनुमान जी के कांधे पर लगे सिंदूर हैं, उसे आप अपने माथे पर लगाइए, वही सिंदूर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाइए और साथ ही उसी मंदिर में बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, और संभव हो सके तो मंगलवार के दिन सात रत्ती का मूंगा धारण करें। कोशिश करें कि मूंगा गले में धारण करें और वह लोगों की नज़र में आए। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको कभी भी बुरी नज़र कोई भी काला साया नहीं लगेगा और आप पर बुरी नजर नहीं लगेंगे, वो भी समाप्त तो हो जाएंगे। साथ ही बुरी नजर को उतारने के लिए एक पांच बत्ती लें, उसमें गुलाब की पंखुड़ियों को लपेटकर अपने इष्ट देवता को याद करते हुए उसे अपने भगवान के मंदिर में रख दीजिए। यह उपाय आप लोगों के घर में हमेशा नजर उतारता रहेगा। दोस्तों, इस देव की पूजा करने से आप लोगों के जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी, नकारात्मक अभी आप लोगों के घर में प्रवेश नहीं करेंगे, प्रेत बाधाएं, भूत प्रेत में आप लोगों की रक्षा करेंगे। अब आपको एक विशेष बात हम बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह है या किसी पर भी कोई भी आप लोगों पर शक है या किसी पर भी बुरी नज़र चढ़ गई हो, या जो लोग आपसे बार बार जलते हैं जिनके कारण आपके तरक्की में बाधा आती है, साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों के ऊपर भी नज़र का पूरा असर प्रभाव हो चुका है तो यह बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण राज है, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के ऊपर आप लोगों को काली सरसों,
लहसुन प्याज के छिलके लाल मिर्च 7 बार बुलाकर अपने आंगन में डाल देना है। ये दोस्तों बहुत ही प्राचीन और बेहतरीन नुस्खा है जो भारी से भारी जिद्द से जिद्द नरक भी इस उपाय से उतर जाएंगे। ये उपाय रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन करने से लाभ तुरंत ही देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप ध्यान से सुनिएगा। यदि बच्चों के ऊपर नज़र लग गई है, आपका जो बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहता था, अचानक से उसकी मुस्कुराहट थम सी गई है, बहुत ही ज़्यादा खेलता था, खाता था, परंतु सब कुछ मानो एकदम से रुक सा गया हो, तो यूँ समझ लीजिए कि आपके खुशी को किसी की नज़र लग चुकी है और आपको इस नज़र को उतारना होगा। यदि बच्चे की नज़र लगी है तो आप किसी मंदिर में या फिर आप किसी बर्तन में कच्चा दूध ले लीजिए, बच्चों के पैरों से लेकर घुमाकर किसी काले कुत्तों को पिला दें। ऐसा करना तुरंत ही बच्चे को आराम देगा और आप लोगों के ऊपर जो भी साया या बुरी नज़र थी वह तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। दोस्तों अक्सर नज़र लगना आपके परिवार को नज़र लग जाती है, तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर काले घोड़े के पैर का नाल किसी कपड़े में व आप लाल कपड़े में बांध कर लटका दें और घर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही बुरी नज़र बाहर ही नष्ट हो जाएंगी। इस उपाय से घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए, आपके फायदे की बात की जा रही है। दोस्तों खुशी एक ऐसी चीज है जिसे सभी लोग हमेशा चाहते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में कभी न कभी परेशानी आती जाती है, जिसकी वजह से वह खुश तो रहना चाहता है, मुस्कुराना भी जानता है और मानो कई प्रकार की ऐसी भी व्युत्पन्नियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मानो इन सारी चीज़ों से आप भूल से जाते हैं। दोस्तों खुशी और मुस्कुराहट आपके जीवन में दुख से लड़ने में बहुत ही मदद करता है, वही खुश रहने से आप में कॉन्फिडेंट भी आता है, आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसलिए अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे किसी की खुशी की नज़र नहीं लगेंगी। यह चीज़ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी और लाभ देने वाली होंगी। अगर आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी गलतियों और अपनी जिम्मेदारी समझिए, दूसरों को वह किसी भी प्रकार का कोई भी भड़ास निकालने की कोशिश न करें। जहाँ दूसरों के साथ आपके संबंध खराब नहीं होंगे, वहीं आप अपनी गलती को समझने का और सुधारने का मौका भी प्राप्त करोगे। गलती में सुधार होने से आपको बहुत ही अच्छा महसूस होंगे, आप छोटी छोटी बातों को समझेंगे और उनको सोचेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। ऐसे में अगर आप लोगों के जीवन में खुशियां चाहती हैं और घर परिवार में शांति बनाए रखना चाहती हैं, तो सबसे पहले बिना हर किसी बात को सोचे हुए आप बचने का प्रयास करें, आप हमेशा खुश रहें। साथ ही आप गॉसिप में आस पास के लोगों की निंदा करने से बचने का प्रयास करें, तो आप लोगों के जीवन में कोई भी मुसीबत नहीं रहेंगी, आप लोगों के नज़र में कोई भी काला जादू या बुरी नज़र नहीं लगेंगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दे अवश्य लिखें। आपकी अगर कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर दें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।